न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली T20 सीरीज के लिए हुआ भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज का ऐलान। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में ये धाकड़ खिलाड़ी निभाएगा विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका। जी हाँ दोस्तों, कौन है वो खिलाड़ी बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, लेकिन आपके मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में किस खिलाड़ी को विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका मिलनी चाहिए, आप अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम का सफर खत्म हो चुका है। सेमीफाइनल मुकाबले में उसे इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। अब भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया से सीधा न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरनी है, क्योंकि भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की T20 जबकि 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। पहले दोनों ही टीमों के बीच T20 सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 18 नवंबर से हो रही है। आपको बता दें कि इस T20 सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया की कमान सौंपी गई है, जबकि रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों को इस दौरे से आराम दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली T20 सीरीज के लिए BCCI ने 3 विकेट कीपर बल्लेबाजों को भारतीय स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें ईशान किशन, ऋषभ पंत और संजू सैमसन का नाम शामिल है। अब हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल होगा कि आखिरकार किस खिलाड़ी को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम की ओर से विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका में देखा जाएगा। तो आइए आपको ये भी बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि संजू सैमसन को बतौर बल्लेबाज टीम के प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि संजू सैमसन का फॉर्म फिलहाल बेहद ही शानदार है। ऐसे में उन्हें टीम में बतौर बल्लेबाज शामिल करना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं ईशान किशन को शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में अपने मौके का इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे सूरत में हम कह सकते हैं कि हमें बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज टीम के प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो टीम के उपकप्तान भी हैं और वो प्लेइंग 11 में शामिल भी होंगे। ऐसे में अगर वो प्लेइंग 11 में शामिल होंगे तो ऋषभ पंत हमें विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका में देखने को मिल सकते हैं।